कितना प्यारा लग रहा है वाइट कबूतर, इसे भगाने का मन तो कर नहीं रहा मेरा। ये देखो, ये मुझे ऐसा लग रहा है किसी का पालतू कबूतर है। सिया हाय, स्कूल से आ गए आप? कौन आया फिर? हे गाइज, ब्लॉग में सिया में आप सबका स्वागत है। आई होप आप लोग अपने घर में ठीक होंगे, मजे में होंगे। सो गाइज, अभी जो है टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं और मैं सुबह ही, मेरा सारा घर का आज काम हो चुका है और कपड़े मैंने आज धोए नहीं थे, मेरे ज़्यादा कपड़े नहीं थे और काम भी मेरा जो है ऑलमोस्ट हो चुका है। मैं थोड़ी देर में छत में जाऊँगी धूप सेकने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है तो मैं सोची थोड़ा धूप सेक लूँ। लेकिन बाहर जो है मौसम अभी ऐसा नहीं है कि धूप अच्छी आ रही है, धूप भी बिल्कुल हल्की हल्की सी धूप है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी देर छत पर जाऊँगी। तो गाइज, हमारे यहाँ देखिए पार्क में आए हैं आज चील। ये देखिए लाइट पे, हेडलाइट पे बैठा हुआ है चील, पता नहीं कहीं यहाँ ना आ जाए। ये कहाँ से आया होगा आंटी? है आंटी, कहाँ से आया होगा ये? वैसे तो दिखता नहीं है कभी। सो गाइज, आंटी ने जो है गेहूँ डाले हैं और जो कबूतर हैं इनके गेहूँ खाने आ रहे हैं बार बार। ये देखिए आ गए, इनको गेहूँ खाने हैं और इनको इतना भी डर नहीं है कि यहाँ पर आंटी बैठी हैं, इनको गेहूँ खाने हैं तो खाने हैं। ये देखो, अभी सोच रहे हैं कि मतलब इधर उधर देखे तो हम गेहूं को चिपकाएं। ये देखो इसका स्टाइल देखो, पहले नीचे आएगा और धीरे धीरे, पहले धीरे धीरे इधर आएगा। ये दोनों आ गए अभी, ये देखो वाह, व्हाइट कबूतर भी आ गया। अरे वाह, क्या बात है, आज तो बड़े सफेद कबूतर पहली बार देख रही। अरे वाह, तो बहुत सुंदर लग रहा है। आंटी आपके गेहूं खा लिए सबने। ये देखो इन कबूतरों को तो देखो। कितना प्यारा लग रहा है व्हाइट कबूतर, इसे भगाने का मन तो कर नहीं रहा मेरा। ये देखो, ये मुझे ऐसा लग रहा है किसी का पालतू कबूतर है। आंटी जो है इन्हें कुमाऊनी में डांट रही है, जैसे कि जो हमारे कबूतर हैं इनको कुमाऊनी समझ आती होगी। दो पालतू है यार, नहीं भागेगा ऐसे। दो वही जो पकड़ लो देखो। तो गाइज, अभी जो है मम्मी का फोन आया था, तो मम्मी को कहीं जाना है, तो मम्मी ने कहा था कि तुम भी मेरे साथ चलो, तो मैं अभी जा रही हूँ मम्मी के घर में, कुछ काम है, तो मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो गाइज, मैं अभी मम्मी के घर आई थी किसी काम से और मम्मी ने मेरे को दे दिया है रोटी और सब्जी, शिमला मिर्च की सब्जी बनाई है मम्मी ने, और सामने मैं टीवी में देख रही हूँ अपना व्लॉग। तो गाइज, मैं मम्मी के घर से आ गई हूँ और मैं सीधा ना छत पे आ गई, क्योंकि मम्मी के घर में मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा ठंड और ऊपर जो है थोड़ी धूप आ रही है, तो मैंने कहा थोड़ा धूप में बैठ जाती हूँ, क्योंकि अभी सिया को जो है आने में थोड़ा सा टाइम है, तो सिया आ जाएगी तब मैं नीचे जाऊँगी। और जो लंच है मैं मम्मी के घर से करके आई थी, अभी बस सिया के लिए बनाऊँगी थोड़ी देर में जब वो आ जाएगी। सिया हाय, स्कूल से आ गए आप? कौन आया फिर? सो गाइज, अभी जो है टाइम हो रहा है शाम के, जो है 4 बज गए हैं और सिया जो है देखिए इसको जो है ट्यूशन जाना है, तो अभी हम जाते हैं जल्दी से, क्योंकि इसका 5 बजे का ट्यूशन है और इसने ना कल इसकी जो फ्रेंड का बर्थडे था उसको गिफ्ट नहीं दिया था, तो अभी हम जा रहे हैं गिफ्ट शॉप पे उसके लिए गिफ्ट लेने के लिए। तो देखते हैं सिया अपनी फ्रेंड को क्या गिफ्ट देती है। सिया क्या गिफ्ट दोगे अपनी फ्रेंड को? सो गाइज, ये मैंने 3 स्वेटर निकाल के रखी है अभी बेड से, तो ये हमारे जो सामने आंटी जी हैं उनके वहाँ काम करती थी, तो मैंने उनके लिए निकाली हैं, तो मैंने कहा मैं तो पहनती नहीं हूँ तो वो पहन लेंगी, और बिल्कुल न्यू ही स्वेटर है ये। इसको मैंने थैले के अंदर पैक कर दिया। सो गाइज, अभी जो हम जा रहे हैं मार्केट, और मार्केट से मैं सब्जी भी ले आऊँगी और सिया को छोड़ भी दूंगी ट्यूशन, और साथ में मैं उसका जो गिफ्ट उसको लेना है अपनी फ्रेंड के लिए वो भी हम ले।
सिया ने ले लिया अंकल की शॉप से, और अंकल जी की जो शॉप है ना अभी हमारे घर के नीचे नई खुली है, लेकिन अंकल जी के पास बहुत ही अच्छे अच्छे जो है यहाँ पर प्रोडक्ट्स होते हैं और मतलब गिफ्ट्स होते हैं, और बहुत ही रीजनेबल रेट पे यहाँ पर मिलते हैं, ले सकते हैं गिफ्ट्स। सिया जो है अब यहीं से सारी शॉपिंग करती है अपनी, जितने भी स्टेशनरी का सामान होता है, और बहुत ही रीजनेबल रेट पे देते हैं अंकल जी। तो ये देखिए इनका बोर्ड है अरोड़ा स्टेशनरी, और बहुत ही रीजनेबल रेट पे ये गिफ्ट देते हैं। तो गाइस सिया को ट्यूशन छोड़ने के बाद मैं आ गई थी मार्केट, और फिर मुझे लेना था हरा साग, तो क्योंकि मुझे बनानी थी राई की सब्ज़ी, तो मैं यहाँ पर राई पूछ रही थी, तो यहाँ पर मुझे राई भी ले ली, और मैंने यहाँ पर जो है फ्रेश मतलब यहाँ पर मुझे मेथी मिल रही थी तो मैंने मेथी भी खरीद ली कल के लिए, फिर मैं घर आ गई थी। फ्रेंड्स मैं वेजिटेबल्स और जो है सब्जी लेके आ गई हूँ, और ग्रीन वेजिटेबल भी लेके आई हूँ, तो अभी जब पानी आएगा तो मैं इसको तब धोऊँगी, क्योंकि तब बहुत ईजी रहता है, और अभी मैं यहाँ रख देती हूँ, थोड़ी देर में सामान निकालूंगी। सो फ्रेंड्स मैंने जो है देखिए ये ग्रीन वेजिटेबल बनाई है अभी रात को डिनर में, और राइस बनाए हैं, इसमें है एग करी। मैंने क्या करा है इसमें पलट दिया, मैंने कहा इसमें गर्म करने के लिए ना इजी रहता है माइक्रोवेव में, अगर ठंडा हो भी जाएगा। अभी सिया के डैडी आए नहीं है, आने वाले हैं, तो मैं ऐसा करती हूँ ये आटा है सुबह का, तो इसकी रोटियाँ बना लेती हूँ। रोटियाँ भी बन गई हैं। तो गाइज मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ, और टेम्परेचर आज बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है, और सिया ने तो 2-3 कंबल ओढ़ रखे हैं बहुत सारे, ये देखो कितना मोटा मोटा लग रहा है, ये देखो सिया क्या है तो आज ना बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि ब्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।